हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोग के बर्ड और एनिमल्स भी खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं और दिखाएंगे भी कि रैबिट फार्म की आज मैं साफ़ सफाई करने वाला हूँ। तो ये वाले पार्ट की भी सफाई हो चुकी है, ये वाले पार्ट भी सफाई थी, अभी इसकी भी सफाई हो चुकी है और तीन बचा हुआ, मैं चौथे में हाथ लगा चुका हूँ और दो और बचा हुआ है। पूरी तरह से जब क्लीन हो जाएगा तब मैं और वीडियो दिखाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, ये वाला भी पार्ट साफ़ हो चुका है। इसमें मैं किस लिए ये बनाया हूँ, ये देखें, ये जाली लगाकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जाली लगाकर इसको भी एक पार्ट बना दिया हूँ। और इसमें से जो बच्चे पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, जो ये बच्चा देख सकते हैं, ये अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब अपने पूरी तरह से खाने पीने लायक जब हो जाते हैं तब ये बच्चे उठाकर मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और कुछ दिन बाद बच्चे, ये वाले बच्चे 4-5 दिन बाद, जब इनका डाइजेशन सिस्टम जब एकदम ठीक हो जाता है, जब मतलब हाजमे का जो सिस्टम होता है ये ठीक हो जाता है, तब इन्हें मैं सेल के लिए ले जाता हूँ, ताकि जो सेल करने वाला दुकानदार भी रहे तो उसे उसका कोई नुकसान ना हो। तो ये देख सकते हैं, ये बच्चा सारे रेडी हो चुके हैं और ये बच्चे मुझे ले जाना है अभी सेल के लिए। आज मैं लेकर जाऊंगा सेल के लिए। तो गंदगी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी इस वाले में, देख लीजिए, देख सकते हैं गंदगी कितनी ज़्यादा हो चुकी थी। रमज़ान चल रहा था, इस वजह से मैंने साफ़ सफाई नहीं किया था और आज भी रमज़ान है तो मैं थोड़ा हिम्मत कर साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि गैस का जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही ज़्यादा बनने लगी थी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर जाली तो लगाई गई है, हवा की किरासिन भी होती है, यहाँ से भी जाली लगाई गई है, यहाँ से भी हवा किरासिन होती है, लेकिन रात में जब हवा नहीं चलती है तो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे खरगोश की जो आँख होती है, खरगोश के बच्चों की आँख होती है, वो भी ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ अभी, खरगोश की जो आँख हो जाती आँख ख़राब होती है वो किस तरह से ख़राब हो जाती है और उसके लिए क्या कौन सी दवा का प्रयोग करें, ये देखें खरगोश के बच्चे, इसकी आँख देख सकते हैं, ये वाला ठीक है और इसमें मैं दिखाता हूँ अभी दोस्तों, इसकी आँखें देख सकते हैं, इसकी आँखें ख़राब हो चुकी है और अभी इसको मुझे दवा डालना है। दवा डालूँगा तो ये बच्चे जो हैं, इसमें एक बच्चा ये आँख ख़राब है, जिसकी वो पलटा हुआ वाला बच्चा है, ये देखें इसको सीधा कर देते हैं। तो दोस्तों, गैस की वजह से आँख ख़राब हो जाती है। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, ये वाला देखें, ये वाला पार्ट देख सकते हैं, अब की बार हर बार मैं भूसी बिछा देता था, अब की बार मैं भूसी नहीं बिछाऊँगा, अब की बार इसी तरह से पड़ा रहेगा, इसी तरह से पूरा पक्का जो है इसी तरह से पड़ा रहेगा, ताकि जो गंदगी वगैरह हो रोज़ का रोज़ मैं साफ़ कर सकूँ। और इसी वजह से मैं साफ़ कर, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और वेंटिलेशन हवा भी चल रही है, उधर से भी हवा भी आती है, तो इधर से देख सकते हैं हवा भी किरासिन है, इधर से भी किरासिन है, तो जब हवा चलेगी तो पेशाब वगैरह जो रहेगा सूख जाएगा ये गर्मी की वजह से, और ठंडक में यही रहता है, ठंडक में भूसी बिछा दी जाती है तो जल्दी पेशाब वगैरह सूखता नहीं है, गंदगी जो हो जाती है वो जल्दी सूखती नहीं है। तो इस अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भीगा हुआ है, अभी मैंने साफ़ सफ़ाई किया था तो यहाँ भीगा हुआ था, अब देख सकते हैं ये सूख गया है। तो दोस्तों, वीडियो से बने रहे, अभी मैं जब फार्म की साफ़ सफाई पूरी तरह से हो जाएगी तो दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त लगता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये 6 पार्ट की साफ़ सफाई हो चुकी है, अभी इसकी साफ़ सफाई तो हो चुकी है लेकिन पूरी अच्छी तरह से फार्म की साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो ये ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जाला वगैरह लगा हुआ है, इसको भी साफ़ सफ़ाई करना है। तो रोज़ा रह के मैं इसलिए साफ़ सफ़ाई किया, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि साफ़ सफ़ाई रखना ज़रूरी रहता है, तो मेरी एक लापरवाही की वजह से जो रैबिट के बच्चे मरे, मेरे 15-16 बच्चे मर गए, यही वजह थी कि गैस की प्रॉब्लम बनने लगी, गैस की प्रॉब्लम होने लगी थी इसमें अंदर। तो वेंटिलेशन के लिए खिड़की तो बनी हुई है, वहाँ खिड़की तो जाली तो लगी हुई है, तो इधर भी जाली लगी हुई है, लेकिन अब जब इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये भीग नमी है, इसके ऊपर अगर भूसी रहेगी तो इसके जाहिर सी बात है गैस बनाएगी। तो दिन के वक्त चल जाता था, हवा का किरासिन रहती थी, दिन के वक्त चल जाता था, लेकिन रात के वक्त गैस बनना स्टार्ट हो जाती थी, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, इस वाले पार्ट में देख सकते हैं,
इस वाले पार्ट में देख सकते हैं, इसी में से इसमें थे, इसमें उसमें बच्चे थे, तो उसमें के सारे बच्चे मर चुके थे, उसमें 14-15 बच्चे थे और इसमें के एक दो बच्चे मरे हैं। तो यही वजह थी कि गैस बनने लगी थी और बच्चों की आंखें ख़राब होने लगी थी, और मेरी यही लापरवाही थी कि मैं हर हफ्ते 15 दिन पे साफ सफाई इसकी कर देता हूँ। तो अब की बार पूरा एक महीना हो गया, रमज़ान की वजह से मैं थोड़ा लापरवाही कर गया। और दोस्तों लापरवाही का कामयाबदा मुझे भुगतना पड़ा। तो ये छोटा बच्चा देख सकते हैं, इसकी भी तबीयत डाउन है और इसकी आंखें भी ख़राब हुई थी और दवा ववा डाला गया था तो सही हो चुकी है, लेकिन इसकी तबीयत जो है ये बहुत ही नाजुक है। तो दोस्तों मैं इसकी दवा ववा कर चुका हूँ लेकिन मुझे तो लगता नहीं ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखा मैंने फार्म की साफ़ सफाई किया, और वजह क्या थी फार्म की साफ़ सफाई का, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि साफ़ सफाई करना ज़रूरी रहता है। साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो गैस बनेगी, आंखें ख़राब होगी, रैबिट्स की भी आंखें ख़राब होगी और ये जो बर्ड हैं इनकी भी आंखें ख़राब होगी। तो बर्ड की अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आंखें सारी की सारी, और ये रैबिट के जो छोटे छोटे बच्चे थे इन्हीं की आंखें ख़राब हुई और जिसकी वजह से मुझे कामयाबी का भुगतना पड़ा। अब इंशाल्लाह जो सारे रैबिट के बच्चे हैं वो ठीक ठाक हैं, ये देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें से मुझे छटाई भी करना है, जो सेल के लिए बच्चे लेकर जाना है इसमें से छटाई करूँगा। कुछ बच्चे इसमें अभी छोटे भी हैं, वो अभी तरह से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं, और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब इन्हें भी मैं सेल के लिए लेकर जाऊँगा। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं सेल के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।